हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा, जूलॉजी का टीचर, आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्या नीट का क्लास एम्फीबिया। इसके पहले मैंने क्लास कॉन्ट्रिकथीस एंड क्लास ऑस्टिकथीस पढ़ा दिया है, आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास एम्फीबिया। इसको देखिएगा, इजी है, समझ में आएगा और आसानी से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकोगे। तो फाइलम सॉरी क्लास एम्फीबिया जो है, क्लास एम्फीबिया के जो मेंबर होते हैं उसके क्या क्या पिक्यूलर करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, उसके हॉलमॉल फीचर क्या हैं। पहली बात इसमें ये होता है कि इंडिविजुअल एम्फीबियस होता है, ग्रीक वर्ड से उत्पन्न हुआ है एम्फीबियस। एम्फी मीन्स बोथ, बियस मीन्स लिविंग, मतलब जो जल और स्थल अर्थात टेरेस्ट्रियल हैबिट और एक्वेटिक हैबिट दोनों में इन्वॉल्व हो, दोनों में रहने की क्षमता रखता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियस। इसीलिए इसका नाम एम्फीबिया पड़ा है। कौन नाम पड़ा है, क्लास एम्फीबिया। ये देखिए एम्फीबिया, एम्फी मीन्स कहाँ उत्पन्न हुआ है, ग्रीक वर्ड एम्फी, एम्फी मीन्स बोथ, और बिया मीन्स क्या होता है, एम्फी मीन्स बोथ, और बिया मीन्स रहने वाले, कहाँ कहाँ पर मतलब टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दो, ठीक है, या एम्फी मतलब बोथ होता है, बिया मीन्स होता है रहने वाले, हो गया। आप ध्यान दीजिए, तो ये एम्फीबियस क्यों है, ये क्या होते हैं, जल स्थल दोनों पर रह सकते हैं, वाटर एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ दोनों में रह सकते हैं। कहाँ रह सकते हैं, ये वाटर में, कहाँ रह सकते हैं, वाटर में, और कहाँ पे रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह सकते हैं, वाटर में और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह सकते हैं, समझ रहे हैं ना। दूसरी बात ध्यान दीजिए, ये तो एक बात हो गई, ठीक, दूसरी बात मैं आपको बता रहा था, इंडिविजुअल जो थे टेट्रा पॉड्स होते हैं, चार पैर वाले, ये हॉलमॉल फीचर नहीं है। इसका बॉडी जो होता है मॉइस होता है, बॉडी क्या होता है, मॉइस, मॉइस मतलब गीला होता है, जिससे स्किन द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, बस समझ रहे हैं ना, मॉइस होता है। इसके अलावा इसके आय के बगल में टिम्पैनम पाया जाता है, जैसे हम लोग आग के बगल में टिम्पैनम, ये है ना कान, इसमें टिम्पैनम पाया जाता है, जो इंडिकेट करता है कि इसके पास कान भी है, है ना, जो इंडिकेट करता है क्या, इसके पास कान भी होता है। टिम्पैनम इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, टिम्पैनम इंडिकेट करता है ईयर का प्रेजेंस। अगली बात इसमें होती है हर्ड थ्री चैम्बर का होगा, हर्ड का चैम्बर का होगा, तीन चैम्बर। रेस्पिरेशन जो होता है गिल के द्वारा हो सकता है, लंग के द्वारा हो सकता है, स्किन के द्वारा हो सकता है। लंग और स्किन के द्वारा क्या होता है, एडल्टहुड में होता है, और गिल के द्वारा लार्वल लाइफ में, लेकिन कुछ में एडल्ट फार्म में भी गिल के द्वारा रेस्पिरेशन, जैसे यूरोडेला में, कुछ यूरोडेला के मेंबर होते हैं, कुछ हो गया। इसके बाद ये इंडिविजुअल जो होता है एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, इंटीरियर ओपनिंग माउथ होता है, पोस्टर ओपनिंग एनल अपर्चर होता है। रेस्पिरेशन जो होता है आपको मैंने बता ही दिया, रेस्पिरेशन जो होता है बॉडी स्किन से हो सकता है, लंग से हो सकता है, गिल से हो सकता है, ठीक। इसके अलावा जो मैं बता रहा था आपको, उसको समझिएगा, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा, इंटीरियर ओपनिंग माउथ होगा, पोस्टर ओपनिंग एनल अपर्चर, लेकिन एनस, एक्सक्रीटरी अपर्चर और रिप्रोडक्टिव अपर्चर, ये तीनों एक कॉमन अपर्चर में खुलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोएका। क्या बोलते हैं, क्लोएका। वह क्लोएका कहाँ खुलेगा, बाहर, ठीक है ना। एनल अपर्चर, एक्सक्रीटरी अपर्चर, एनल अपर्चर, एक्सक्रीटरी अपर्चर और क्या,
एनल अपर्चर, एक्सक्रेटरी अपर्चर और इसके अलावा कौन सा अपर्चर, रिप्रोडक्टिव अपर्चर आप कह सकते हो, जेनाइटल अपर्चर, ये तीनों एक कॉमन स्ट्रक्चर में खुलते हैं जिसको बोलते हैं क्लोएका, CLOACA, वही बाहर खुलता है, क्लोएका पायर। ठीक, अगली बात इसमें होती है, इसमें RBCs जो होती हैं बाई कॉन्वेक्स होती हैं, न्यूक्लिएटर होती हैं। लार्जेस्ट RBCs एम्फीबियम पाई जाती हैं, और एम्फीबियम में लार्जेस्ट RBC, अब कोई पूछेगा सबसे बड़ी RBC कहाँ पाई जाएगी, तो लार्जेस्ट RBC एम्फीबियम, नीट का क्वेश्चन भी, और उसमें से भी लार्जेस्ट RBC एम्फ्यूमा पाया जाता है, एम्फीबिया का एक एम्फ्यूमा है कांगोइल, समझ एम्फ्यूमा। इसके बाद जो है आप देखते हैं एक्सक्रीशन मिशन ऑफ फ्री किडनी के द्वारा होगा, ये यूरियोटेलिक हो सकते हैं या मोनोटेलिक हो सकते हैं। एडल्ट जो होता है वो यूरियोटेलिक होता है, लार्वल फार्म जो होता है मोनोटेलिक होते हैं। ब्रेन जो होता है मस्ट डेवलप्ड होता है, वन पेयर नॉस्ट्रल पाई जाती हैं हवा को लेने के लिए, छोड़ने के लिए। क्रैनियल नर्व 10 पेयर होगा, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ 3 सेमी सर्कुलर कैनल का बना हुआ होता है, क्रैनियल नर्व 10 पेयर होगा। मेल फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया सकता है। मेल के पास कॉपुलेटरी पैड होगा, नुप्सियल पैड, कॉपुलेटरी पैड ही थंब में होगा। डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट इसमें जो होता है वह इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। लार्वल स्टेज पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, लार्वल स्टेज पाए जाते हैं। वो लार्वल स्टेज कौन होता है, टैडपोल लार्वा। कभी कभी ये नियोटेनी शो करते हैं, कभी कभी क्या शो करते हैं, ये नियोटेनी, क्या शो करते हैं, नियोटेनी शो करते हैं ये, बात समझ रहे हैं ना, क्या शो करते हैं, नियोटेनी, NEOTENY। नियोटेनी मतलब होता है लार्वा लार्वा ही रह जाए लेकिन सेक्सुअली मेच्योर हो जाए, मतलब मॉर्फोलॉजिकली इमेच्योर एंड सेक्सुअली मेच्योर को क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकली इमेच्योर और सेक्सुअली मेच्योर इंडिविजुअल क्या बोलते हैं, ये लार्वा को, इसको बोलते हैं नियोटेनी। क्या बोलते हैं इसको, नियोटेनी हो गया। ये इसके करेक्टरिस्टिक फीचर हैं एम्फीबिया के। इसको 3 क्लास में डिवाइड किया, एपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा में, क्योंकि हम क्लास भी डिवाइड करना पड़ेगा ऑर्डर में, उसको बताना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, पूछा हुआ है 18 में, संभवतः 18 में या 19 में पूछा हुआ है, समझ रहे, इसलिए इसको किसका क्लास भी लिखाना जरूरी है आपके NCERT में, लेकिन फिर भी क्लास पढ़ा देंगे थोड़ा छोटा छोटा। तो मैं आपके क्या बता रहा था, ये क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड टेरेस्ट्रियल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं और कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल होते हैं और कोल्ड ब्लडेड है ना, टेरेस्ट्रियल होते हैं और कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल हो गए, कोल्ड ब्लडेड होंगे, और टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक कोल्ड ब्लडेड। इसके अलावा मॉइस्ट स्किन होता है इनका, मॉइस्ट स्किन, टेट्रापॉड होते हैं, 4 पैर वाले टेट्रापॉड हो गए, टेट्रापॉड एनिमल्स।
दूसरा इसमें जो पिक्यूलियरिटी है इस सॉरी इसी में लिख लेते हैं, इसी में जगह है ना, स्केल अपसेंट, स्केल अपसेंट होता है, हो गया, विदाउट एक्सोस्केलेटन आप कह सकते हैं, विदाउट एक्सोस्केलेटन बाय कंकाल नहीं होता। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो क्या, बॉडी इज डिवाइडेड इंटू किसमें डिवाइड करता है, डिवाइडेड इंटू हेड एंड ट्रंक, वर आर हेड नेक ट्रंक एंड टेल। हो गया, मोस्टली आपके एनसीईआरटी में हाईलाइट किया हुआ है, जबकि एन्यूरक सदस्यों में और यूरोडायलक सदस्यों में ऐसा होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन मत रहिएगा। हो गया, नेक्स्ट है इनर अपर्चर, जेनाइटल अपर्चर, एंड एक्सक्रीटरी अपर्चर, एनल अपर्चर, जेनाइटल अपर्चर एंड एक्सक्रीटरी अपर्चर ओपन इनटू क्लोएका विच ओपन्स थ्रू आउटसाइड थ्रू क्लोएकल अपर्चर क्लोएका का पाया जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। नेक्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट एडल्ट्स आर मोस्टली कार्निवोरस, बट लार्वा इज हर्बीवोरस, हेंस लार्वल एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग, बड़ी होती है। रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू रेस्पिरेशन क्वेश्चन पूछता है, अकर्स थ्रू किसके द्वारा रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू स्किन, लंग, गिल, ETC। हो गया,
एक्सक्रीशन, अकर्स थ्रू, अकर्स थ्रू मीसोनेफ्रिक किडनी, मीसोनेफ्रिक किडनी, अकर्स थ्रू मीसोनेफ्रिक किडनी, अकर्स थ्रू मीसोनेफ्रिक किडनी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो एडल्ट होते हैं उसमें मीसोनेफ्रिक किडनी होता है और जो लार्वा होता है उसमें प्रोनेफ्रिक किडनी होता है। क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है एक बार, क्या मीसोनेफ्रिक किडनी एडल्ट में होता है, प्रोनेफ्रिक किडनी किस में होता है, लार्वल फॉर्म में। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या तो यूरिया होगा या तो अमोनिया, एडल्ट में यूरिया होता है, टेडपोल लार्वल फॉर्म में अमोनिया। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया और आर अमोनिया। लेकिन याद रखिएगा, अगर यूरिया अमोनिया दोनों में से कोई एक ऑप्शन आए तो यूरिया पे आप टिक लगाएंगे, अमोनिया पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि एडल्ट को ज़्यादा ले जाता है। हो गया ना, इरेज कर दें इसको। हाँ देखिए, क्लोज टाइप ब्लड वास्कुलर सिस्टम, हार्ट 3 chambered लिखते जाइए। 3 chamber का हार्ट होगा, 2 atria या ऑरकल कहते हैं, 2 atria एंड 1 ventricle एंड 1 ventricle। हो गया, रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट, रीनल पोर्टल एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट।
प्रेजेंट होगा, लार्जेस्ट आरबीसीज होंगी, लार्जेस्ट आरबीसीज फाउंड इन एम्फीबियंस, आपको बाद मिलेगा, उसमें से भी एम्फ्यूमा में सबसे बड़ा, यहाँ लिख दे रहे हैं एम्फ्यूमा, एम्फ्यूमा हो गया। नेक्स्ट है क्रैनियल नर्व, क्रैनियल नर्व 10 पेयर होगा, टिम्पैनम बहुत इम्पॉर्टेंट, ये टिम्पैनम प्रेजेंट, विच टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, विच इंडिकेट विच इंडिकेट्स ईयर हो गया। मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म mostly present, fertilization external, development indirect, development indirect with tadpole larva, with tadpole larva, with tadpole larva, neoteny found, क्या पाया जाता है, neoteny found in which larva becomes sexually mature but morphologically mature, but morphologically मार्फोलॉजिकली इमेच्योर, इसी को नियोटेनी बोलते हैं, हो गया ना। ये जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर हैं इसके, इसको मैं क्लासिफाइड कर देता हूँ, नीचे वाले लिख लिया, ऊपर का मैं इरेज कर दे रहा हूँ, हो गया। इसको तीन आर्डर में डिवाइड किया गया है, इसको तीन आर्डर में, और वो आर्डर है एपोडा एनुरा यूरोडेला, अभी दिखा दे रहे हैं, ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं एक दो लाइन, उसी में दिखा देंगे आपको, ये क्लास एम्फीबिया है, क्लास एम्फीबिया
एम्फीबिया, इसको डिवाइड किया गया है तीन ऑर्डर में। किस में डिवाइड किया गया है? ऑर्डर में। पहला एपोडा, दूसरा एन्यूरा, तीसरा यूरोडेला। इसमें टेल बियरिंग होगा, विदाउट टेल होगा, टेल और ये विदाउट लेग। ए मतलब एब्सेंट, पोडम इज पैर, विदाउट लेग। खास बात, इसका एग्जांपल एक है इक्थियोफिस, इक्थियोफिस इसका एग्जांपल है। इसका एग्जांपल एन्यूरा का है राना, कॉमन फ्रॉग, कॉमन फ्रॉग, हाइला, हाइला हाइला ट्री फ्रॉग है, एलाइटस मिडवाइफ टोड है, वाइफ टोड। सॉरी, एलाइटस हो गया, यूरोडेला को नीचे लिख दे रहे हैं तब एग्जांपल आ पाएगा, यूरोडेला को और थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं। थर्ड है यूरोडेला टेल बियरिंग। एलाइटस हो गया रैकोफोरस, आपके बुक में नहीं है। ये है फ्लाइंग फ्रॉग, उड़ने वाला, फ्लाइंग फ्रॉग हो गया। इसमें आता है सैलामेंड्रा, मेंड्रा सैलामेंडर कहते हैं, सैलामेंड्रा को सैलामेंडर कहते हैं। एम्फ्यूमा, नेक्टिवरस, हो गया सैलामेंड्रा, हो गया एम्फ्यूमा, हो गया नेक्टिवरस, हो गया ये आपके। तो एपोडा विदाउट पैर वाले, इक्थियोफिस, इक्थियोफिस ICHTHYOPHIS, इक्थियोफिस थियोफिस है, ठीक है। एन्यूरा विदाउट टेल, जैसे आप मेढक इसमें आते हैं तो मेढक में राना, हाइला, एलाइटस, रेकोफोरस, ब्यूफो, ब्यूफो ये भी क्या है,
ये भी टोल्ड है, हो गया ना, ये तो हो गए इसके। यूरोडेला जिसमें टेल होता है, यही नियोटेनी शो करते हैं। यही क्या शो करते हैं, यही सो नियोटेनी, ज़्यादा ही नियोटेनी शो करते हैं, हो गया। इसी में एक्सोलाटल लार्वा पाया जाता है ना। तो ये एम्फीबिया का पूरा पिक्यूलर करेक्टरिस्टिक फीचर है, कौन सा क्लास है देखिए, आप इसको पढ़ेंगे आपको इजली समझ में आ जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूँ, और बाकी एनसीईआरटी बेस्ड ही है, बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी से ऊपर नहीं, लेकिन एनसीईआरटी के ऊपर ही क्वेश्चन कभी पूछते हैं ना कि इसमें से प्रोडक्ट कौन मेंबर है, न्यूरा कौन मेंबर है, तो आपको बताना पड़ेगा। और बहुत ईजी भी है, कुछ नहीं करना है आपको, ईजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। और आगे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछते रहिएगा और सब्सक्राइब करिए, लोगों को और बताइए कि भाई आपको अच्छा लग रहा हो तो दूसरों को बताइएगा, नहीं कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, लोग समझ रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा हो तो दूसरों को ज़रूर बताइए कि फ्री ऑफ कास्ट ये क्लास चल रहा है, जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़े पूरा फ्री ऑफ कास्ट, लेकिन वो एक दूसरे को सब्सक्राइब करें, बताएं कि ये क्लास चल रहा है। और हिंदी लैंग्वेज में मैं ज़्यादा समझाता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके, ताकि ना हिंदी वाले को प्रॉब्लम हो ना इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो इसलिए अगर किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, ठीक। और इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए, दूसरे को शेयर भी किया करिए कि दूसरे लोग समझें जानें अच्छी बातों को, क्योंकि अच्छी बातें बहुत धीरे धीरे फैलती हैं, अच्छी बातें बहुत धीरे धीरे फैलती हैं। और स्टूडेंट है आप तो खुद एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग, फिर कल मिलेंगे, बाय।